पेरिस ओलंपिक में आज मनु भाकर मेडल से चूक गई। आर्चरी में भजन कौर राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गई, तो वहीं महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पेरिस ओलंपिक के 9वें दिन भारत किस किस इवेंट में हिस्सा लेगा, आइए देखते हैं। बैडमिंटन पुरुष एकल के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन से उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हॉकी पुरुष क्वार्टर फाइनल भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच खेला जाएगा। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन के सामने ली कियान का चैलेंज होगा। इसके अलावा शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफिकेशन भी खेला जाएगा। तीसरा पदक जीतने से चूकने के बाद छलका भारतीय शूटर मनु भाकर का दर्द। मनु भाकर ने इस बात को माना कि वो 25 मीटर पिस्टल फाइनल के दौरान थोड़ा नर्वस हो गई थी। मनु चौथे स्थान पर रही और पेरिस ओलंपिक में तीसरा पदक जीतने से चूक गई। मेडल हाथ से निकलने के बाद मनु भाकर ने हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु से खास बातचीत की है, देखिए उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सिर्फ 22 साल में वो कारनामा कर दिया जो 100 साल में भी इंसान नहीं कर पाता है। कमाल कर दिया मन्नू, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने पेरिस में किया, और इसके अलावा जो 25 मीटर में आज हुआ, गोल्ड सिल्वर चल रहा था, कहाँ पे कैसे वो चूक हो गई वो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हम तो हैट्रिक हमें दिख गया था, वो हैट्रिक चूक कैसे गए वहाँ से? आप अब ऐसे कह रहे हो तो बुरा लग रहा है। नहीं, बट मैं कोशिश कर रही थी, पर आई थिंक एक दो पॉइंट्स का ही होता है कि एक दो पॉइंट से ऊपर हो, एक दो पॉइंट से आप नीचे हो, तो अब बहुत बुरा लग रहा है एक्चुअली। नहीं तो छोड़ देते हैं इसको। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए कि दो ब्रॉन्ज मेडल्स मुझे मिले, और फोर्थ पोजिशन मतलब डेफिनेटली अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे मेरे साथी भी जो फोर्थ पोजीशन पे बाहर हुए हैं, जैसे अर्जुन बाबूता, आई फील हिम, अभी लग रहा है उसका दुख, बट डेफिनेटली आगे और भी मोटिवेशन मिलता है कि आगे और अच्छा करो, आगे और कोशिश करो, इतना इनफ नहीं है। बिल्कुल और इतने से कम समय में टोक्यो से लेके यहाँ तक सिर्फ 3 साल की जर्नी थी। टोक्यो 2020 ज़रूर बोलते हैं, आगे जब आप लोग देखोगे इस इंटरव्यू को आप बोलोगे टोक्यो में लिया था, आपको लगेगा 4 साल का फ़र्क है। नहीं, आपको फिर वो पन्ने पलटने पड़ेंगे। 2021 में हुआ कोविड की वजह से, सिर्फ 3 साल के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सेटबैक्स होते हैं, कमबैक करने की कोशिश करते हैं, 4-4, 5-5 ओलंपिक्स खेलते हैं लेकिन मेडल नहीं जीत पाते। इन 3 सालों में जो कारनामा किया मनु, ये कितना कॉन्फिडेंस देता है अपने डायरेक्शन पे, अपने दिशा में, अपने ट्रेनिंग में, अपने कोच पे, अपने फैमिली पे, कितना कॉन्फिडेंस देता है? सर आई थिंक हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 3 साल, क्योंकि मेरी जर्नी तो 8.5 साल की रही है। हम उम्मीद यही करेंगे एज इंडियंस, भारतवासी सब यही उम्मीद करेंगे कि मन्नू की भूख वक्त के साथ और बढ़े और मेडल्स लेके आए और जीते, क्योंकि यही सब चाहते हैं कि एक लंबे समय तक, जैसे हम सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं उसी तरीके से मनु भी 20-30 साल अगले जो है वो लगातार शूटिंग करते रहे इंडिया के लिए, और ये भूख जो है कभी खत्म ना हो। लेकिन जो आपने कमाल ओलंपिक्स में किया है पेरिस में, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हम सबके तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया भी, क्योंकि हम ये कभी भूलेंगे भी नहीं और हमेशा आपकी बात चलती रहेगी हमारे सर्कल्स में, चैनल्स में। थैंक यू, सचिन सर इज अ लेजेंड। हां, कंपेयरिंग हिम, लाइक कंपेयरिंग मी विद हिम, थैंक यू। हां, जर्नी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। हां, वो 23 साल बाद जब मिलेंगे तब वो कंपैरिजन होगा कि कितनी लंबी सफर मनु ने तय की। थैंक यू सो मच मनु। थैंक यू सर।